अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र नईम बेग और आप देख रहे हैं जर्नी विद बेग। दोस्तों आज ईद उल फितर का दिन है और जर्नी विद बेग की तरफ से और इसकी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों आज ईद उल फितर का दिन है और सुबह सुबह ईद की नमाज के लिए लोग शाही मस्जिद का रुख करते हैं। लाहौर का सबसे बड़ा यहाँ पर इज्तिमा होता है ईद का, तो आज ईद की नमाज़ को ही मैं कवर करने के लिए यहाँ पे बादशाह मस्जिद हाज़िर हुआ था। गो कि हम बचपन से यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी कवरेज करके दिखाता हूँ वीडियो की, और दिखाता हूँ कि जो घर बैठे लोग नहीं देख सकते कि बादशाह मस्जिद का अंदरूनी मंजर कैसे है, जनाब मौलाना अब्दुल हबीर आज़ाद साहब कैसे दिखते हैं, तो वो आज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो ज़रूर पसंद आएगा। देखते रहिए जर्नी विद बेग, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और आप आज की वीडियो देखते हैं, तो चलिए मेरे साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रमजान का महीना आता है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों याद का दिन बड़ा अजीम दिन है जो हम सबको वहदत का पैगाम देता है, जो हम सबको इत्तेहाद का पैगाम देता है, जो हम सबको रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देता है। जिनको अल्लाह ने बनाकर भेजा, फरमाया कि एक इंसान के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक काम के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, एक जहान के लिए नहीं, बल्कि कायनात में जितने इंसान बसते हैं, कायनात में जितनी कौमें बसती है, कायनात में जितने शहर और बस्तियां बसती है, कायनात में जितने मुल्क बसते हैं, कायनात में जितने जहान बसते हैं, हत्ता के कायनात के जर्रे जर्रे के लिए आपको रहमतुल आलमीन बना। वो कहते हैं ना किताब फितर के सरवर का जो नाम अहमद रखना होता, नक्श हस्ती को बन न सकता, वजूद को गलत न होता, आज के दिन तक नहीं। मेरे भाई हजूर ने फरमाया कि जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों में फख्र करते हैं, किस पर? बोलो रोजेदार, अपने बंदों पर जिन्होंने रोजे रखे, जो भूखे प्यासे रहे, जिन्होंने इबादत की, जिन्होंने अल्लाह अल्लाह की, और फिर मेरा रब जब अपने फरिश्तों में फख्र करता है और कहता है मेरे बंदो, मेरे बंदियों ने मेरे फर्ज को पूरा कर दिया, अब इनका हक क्या है, अब इनके लिए इनाम क्या है, तो फिर मेरा रब मेरे नबी ने फरमाया ऐलान करता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरे रुपये शान की कसम, मैं इसे बख्श का फैसला चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार है। चलिए मज़ार के अंदर चलते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं रेंजर के चक चौबन एहलकार
जो देखिए कि गर्मी में भी बिल्कुल एक्टिव हैं माशाल्लाह से, और अपनी ड्यूटी फराज अंजाम दे रहे हैं। कैसे ज़रा माशाल्लाह।